हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे, आज हम करने वाले हैं बीसीओई 144 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि होने वाला है सबसे पहला यूनिट से कि ऑफिस क्या होता है और साथ ही साथ एक ऑफिस के अच्छे लोकेशन की क्या क्या विशेषताएं होंगी। हम ऑफिस का लोकेशन किस जगह पे चूज करेंगे, इसके बारे में हमारा आज का टॉपिक होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बात और बता दूं, अगर एग्जाम इसी वाले सेशन में देने वाले हो या फिर आगे वाले किसी भी सेशन में अगर आप देने वाले हो, तो नोट्स यार रेडी है हमारे पास। नोट्स आप परचेस कर सकते हो हमारे पास से बहुत ही कम दाम पे, बहुत ही कम प्राइसेस में नोट्स हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमसे नोट्स परचेस कर सकते हो इफ यू विश। आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर पाएंगे और आप चाहें तो नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा जानकारी थी। अब बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑफिस क्या होता है, ठीक है ना, किस चीज को हम ऑफिस बोलेंगे। ये देखो, ये हमारा कंटेंट है टोटल। आज हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ ऑफिस, और इसी में एक टॉपिक है कि ऑफिस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, मतलब एक ऑफिस का लोकेशन जो है वो कैसा होगा, 1.4 नंबर जो है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये दो टॉपिक अभी हम काम करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑफिस का मीनिंग क्या होना चाहिए, मतलब एक ऑफिस हम किस चीज को कहेंगे ऑफिस, ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग में देखो लिखा हुआ है, इस पर ध्यान देते हैं। सो द इंग्लिश वर्ड ऑफिस, ओके, सो द इंग्लिश वर्ड ऑफिस केम इनटू लाइट इन 1935 व्हिच एल्यूडेड to a place where business is executed, ठीक है ना। तो 1935 में इसका इस्तेमाल पहली बार हुआ, और इसका मीनिंग ये निकल करके आता है कि एक ऐसा जगह जहाँ पे बिजनेस को एग्जीक्यूट किया जाता है, जहाँ पे बिजनेस किया जाता है, उसे हम ऑफिस बोल सकते हैं। हाउएवर द वर्ड हैज मोर एस्टैब्लिश्ड रूट्स, जो वर्ड है उसका एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड रूट है। क्या है देखो, देखते हैं। सो ऑफिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑफिसियम, ठीक है ना। तो एक लैटिन वर्ड है ऑफिसियम, उसी से ऑफिस वर्ड जो है लिया गया है। Which didn't guarantee to allude to a particular spot, but instead a department in the feeling of staff, or on the other hand, more theoretical significance of formal position. ठीक है ना, तो यहाँ पे ये सारी चीजों का होना भी important है एक तरीके से। ये सारी चीजें भी important हो जाती हैं office में। एक particular spot का होना important है। यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होगा, बल्कि पूरा का पूरा department हो सकता है ना। लोग यहाँ पे होंगे जो कि वहाँ पे काम करेंगे, तो इस तरह की चीजें, ठीक है। लेमैन के टर्म्स में अगर बोले, उनके हिसाब से अगर हम बोले, तो ऑफिस एक वर्कप्लेस होता है जहां पर लोग, पीपल आर एंगेज्ड इन असाइन टास्क, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क जो उनको असाइन किए जाते हैं, वो उस टास्क को करते हैं इन अ हायरार्किकल मैनर, है ना, एक के बाद एक करते हैं, उसको हायरार्की बोलते हैं। हायरार्किकल मैनर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट इज बेसिकली एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट facilitating the responsible authorities taking sound decisions for achieving the organization's goals, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक information processing unit है, जो कि यहाँ पे एक तरीके से facilitate करती है, जो management पे बैठे हुए लोग होते हैं उनको, ताकि वो उन तक सही जानकारी पहुंचा सके और वो सही decision ले सके। तो उस मामले में office जो है एक तरीके से काम करता है, ठीक है ना। एंड ऑफिस इज अ प्लेस वेयर एसोसिएशंस रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क टू हेल्प एंड एक्नॉलेज द आइटम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एसोसिएशन, ठीक है ना। तो ये भी आप इसमें लिख सकते हो। नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पे कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। इन मॉडर्न टर्म्स ऑफिस इज यूजुअली द लोकेशन वेयर व्हाइट कॉलर वर्कर्स कैरी आउट देयर फंक्शंस। व्हाइट कॉलर का मतलब जो लोग काले धन का इस्तेमाल नहीं करते, व्हाइट कॉलर मतलब सफेद पैसा, सफेद पैसे वाले लोग, जो कि जब किसी जगह पर बैठ करके पैसे का काम करते हैं, फंक्शंस किसी फंक्शन को करते हैं, तो उसे हम कहेंगे मॉडर्न ऑफिस। मॉडर्न टर्म्स में ऑफिस का मतलब यही होता है कि जहाँ पे व्हाइट कॉलर वर्कर्स काम करते हैं और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो इंडिकेटेड बाय जेम्स स्टीफेंसन, ऑफिस इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग व्हिच इज डेडिकेटेड टू द हेडिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इट्स डिफरेंट एक्सरसाइजेस, ठीक है ना। तो उनके हिसाब से, जेम्स स्टीफेंसन के हिसाब से, ऑफिस जो होता है वो बिजनेस का एक पार्ट होता है, जहाँ पे आप डेडिकेटेड वहाँ पे लोग होते हैं, हेडिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन द स्टाफ, जो कि साथ में मिलकर के डिफरेंट एक्सरसाइजेस को पूरा करते हैं, ठीक है ना। द साइज ऑफ द ऑफिस रेंजेस फ्रॉम अ लिटिल ऑफिस द सीट टुवर्ड द एज ऑफ अ स्मॉल बिजनेस ऑफ अ मस्कुल
minuscule sites through whole floors of structures up to including enormous structure devoted completely to one organization. यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि ऑफिस किस तरीके का हो सकता है. हो सकता है कि ऑफिस सिर्फ एक ही आदमी के लिए हो, मतलब ऑफिस बहुत ही छोटा हो, ऐसा भी हो सकता है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बिल्डिंग का पूरा फ्लोर जी है, फ्लोर ही जो है वो आपका ऑफिस हो. तो इस तरह की चीजें भी यहाँ पे हो सकती है. ठीक है, बोथ द स्ट्रक्चर एंड द शेप ऑफ द ऑफिस आर इंपैक्टेड बाय द टॉप मैनेजमेंट. जो भी ऑफिस का स्ट्रक्चर होगा या फिर जो शेप होगा वो मैनेजमेंट के द्वारा एक तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होता है. कुछ लाइनें और हैं, आप इसको पढ़ लो. आपको आई होप कि ऑफिस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा. सिंपल डेफिनेशन स्टार्टिंग में था. इन मॉडर्न टर्म्स एन ऑफिस इज यूजुअली द लोकेशन वेयर व्हाइट कॉलर वर्कर्स कैरी आउट देयर फंक्शंस. ठीक है ना, ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है. बाकी इसके अलावा स्टीफेंसन ने और भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने डेफिनेशन दिए हैं. आप चाहो तो उनको भी वहां पे मेंशन कर सकते हो. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑफिस के लोकेशन के बारे में कि आपका ऑफिस का लोकेशन जो है वो क्या होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए ताकि वो ज्यादा यू नो इजी टू यूज हो, सुटेबल हो, ताकि बाकी सारे लोग वहाँ पे ज्यादा एंगेज हो सके. ठीक है, सो ऑफिस लोकेशन मीन्स द प्लेस और साइट वेयर द ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड. तो ऑफिस लोकेशन का मतलब वही होता है कि जहाँ पे ऑफिस लोकेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे यू नो ऑफिस एक तरीके से सिचुएटेड है. ठीक है ना, किस जिस जगह पे आपका ऑफिस सिचुएटेड है उसे हम ऑफिस लोकेशन बोलेंगे. डिसाइडिंग अबाउट द बिजनेसेस लोकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टास्क एज इट लार्जली अफेक्ट्स एम्प्लॉइज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड वर्क लाइफ बैलेंस. ठीक है, सो डिसाइडिंग अबाउट द बिजनेस लोकेशन, ये जो काम जो है ये बहुत ही क्रूशियल टास्क हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये जो है एक तरीके से एम्प्लॉई के जॉब सेटिस्फेक्शन को, उसके वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है. अब सपोज मैं किसी एक जगह पे रहता हूँ, मेरा ऑफिस 2 घंटे यहाँ से दूर है, तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा अपने जॉब में, क्योंकि मुझे 2 घंटे पहले घर से निकलना पड़ेगा ऑफिस टाइम पे पहुंचने के लिए. 2 घंटे जाओ 2 घंटे आओ, सो बहुत ज्यादा हेक्टिक वर्क हो जाएगा, तो इसलिए मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा. तो जॉब का जो लोकेशन है वो ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे यू नो लोग बहुत ही ट्रांसपोर्ट बहुत ही आसानी से पहुंच सके, सारी सुविधाएं हो. ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें. सो एंड ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्लान्स मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द लोकेशन. ठीक है, तो जब आप लोकेशन डिसाइड करो कि आपको इस लोकेशन पे अपना ऑफिस बनवाना है, तो उसके उसके पहले आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रेजेंट और फ्यूचर प्लान आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आगे जाकर के हम ये करने वाले हैं, और उसी के बेसिस पे फिर आपको ऑफिस भी लेना चाहिए. क्योंकि अगर आप ऑफिस गलत जगह ले लोगे, दूर कहीं ले लोगे, तो फिर आप ही को दिक्कत होगी बिजनेस को यू नो एक तरीके से बैलेंस करने में. तो ये बात यहाँ पे बोली गई है. अब ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं या फिर कौन कौन से चीजें हैं जो कि आपके दिमाग में होनी चाहिए जब भी आप ऑफिस लोकेशन को चूज करते हो. सबसे पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट स्पेस. जब भी आप ऑफिस लोगे तो यार कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास स्पेस जो है वो सफिशिएंट हो, एक साथ काफी सारे लोग बैठ करके काम कर सकें, सबका अपना अपना डेस्क हो. तो ये चीज के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो सफिशिएंट अकोमोडेशन एंड फैसिलिटीज शुड बी देयर इन द ऑफिस टू मीट प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स टू फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. ठीक है ना, तो सफिशिएंट अकोमोडेशन वहां होना चाहिए, अकोमोडेशन और डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, ताकि आप जो है प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के साथ साथ जो आपके फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस है या एक्सपेंशन है उसको ध्यान में रख करके आप अपने ऑफिस को खरीदोगे या फिर लोगे रेंट पे. द ऑफिस शुड हैव सफिशिएंट एकोमोडेशन एंड फैसिलिटीज, रूम एंड स्टोरेज स्पेस एक्सेट्रा. उसी बात को दोबारा से लिख दिया है. आगे चलते हैं, प्रॉक्सिमिटी टू अदर डिपार्टमेंट. ठीक है, द ऑफिस शुड इंश्योर एप्रोप्रिएट प्रॉक्सिमिटी टू द अदर डिपार्टमेंट्स एंड मस्ट बी लोकेटेड इन सेंट्रल प्लेस टू बी इजिली एक्सेसिबल टू द अदर सेक्शंस और डिपार्टमेंट्स. है ना, तो सिंपल सी बात बोलेगी कि प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए दूसरे डिपार्टमेंट से. अब सपोज एक ही कंपनी है, उसका 2 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट यहाँ है, एक डिपार्टमेंट 100 मीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है किसी और शहर में है, तो डेफिनेटली आपको काम करने में दिक्कत होगी. है ना, तो आपका जो ऑफिस है उसको ये इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिपार्टमेंट है, जो डिफरेंट प्लेसेस हैं, उनका कनेक्शन आपस में रहे, दोनों आसपास में रहे, ताकि आप उसको इजिली एक्सेसिबल कर पाओ और अपने काम जो भी है आप उसको पूरा कर पाओ. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार ऐसा होता है कि जॉब हमें हमें मनचाहे लोकेशन पे नहीं मिल पाता है ना, तो हमें बहुत दूर तक ट्रैवल करके जाना पड़ता है जॉब को करने के लिए. तो उस केस में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सपोज अगर नहीं होगी तो आप कैसे जाओगे, है ना, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. वही बात यहाँ पे बोली गई है, एन ऑफिस शुड हैव अ प्रॉक्सिमिटी टू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस टू ऑफिस वर्कर्स एंड अदर आउटसाइडर्स डीलिंग विद इट. है ना, तो एक ऑफिस के बाद यू नो प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की, साथ ही साथ कन्वीनियंस होना चाहिए अपने वर्कर्स के लिए, ताकि वर्कर्स खुश रहें, वर्कर्स सेटिस्फाइड रहें आपके काम से, आपके बिजनेस से, तभी वो काम को एफिशिएंटली इफेक्टिवली कर पाएंगे. चौथा पॉइंट है सर्विस फैसिलिटीज.
सो बिसाइड ट्रांसपोर्ट द ऑफिस लोकेशन शुड हैव प्रॉक्सिमिटी टू अदर काइंड ऑफ फैसिलिटीज एज वेल एज बैंकिंग पोस्टल इंटरनेट फोन इंश्योरेंस एक्सेट्रा. ठीक है, तो सर्विस फैसिलिटीज भी आसपास में होनी इंपॉर्टेंट है. मेरा सपोज जो जॉब है वो काफी दूर है सेंट्रल सिटी से, जो मेन सिटी है, जो मेन सिटी का इलाका वहां से बहुत दूर है, तो वहां पे मुझे बैंकिंग करने के लिए या पोस्टल कुछ चीजें भेजने के लिए इंटरनेट यूज करने के लिए मुझे बहुत दिक्कत होगी, है ना. तो आपको अपना ऑफिस ऐसे जगह पे लेना है जहाँ पे बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, टेलीफोन की, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो ताकि आप अपने बिजनेस को ठीक तरीके से चला सको, राइट. पांचवा और आखिरी पॉइंट है हेल्दी इन्वायरमेंट. तो एक ऑफिस एक ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही हेल्दी हो, झमेले वहाँ नहीं होने चाहिए, ज्यादा बातचीत नहीं होनी चाहिए, नॉइज नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो द ऑफिस सराउंडिंग शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट, नॉइज, कंजेशन, ऑब्नॉक्सियस स्मेल एंड फ्यूम्स, एज दीज फैक्टर्स लीड टू रिड्यूसिंग द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द ऑफिस एम्प्लॉइज. ठीक है ना, तो हेल्दी इन्वायरमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफिस की जो सराउंडिंग है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, वहां पे डस्ट, नॉइज, कंजेशन, ऑब्नॉक्सियस स्मेल, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें होंगी तो जो इम्प्लॉयज होंगे उनको काम करने में दिक्कत होगी, वो इफिशियंटली काम नहीं कर पाएंगे. ठीक है ना, तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना आपको इंपॉर्टेंट है जब भी आप अपने लिए ऑफिस को डिसाइड करो. तो दिस इज द टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जहाँ पे मैंने आपको यू नो जॉब का लोकेशन, ऑफिस का लोकेशन, सॉरी ऑफिस का लोकेशन, साथ ही साथ ऑफिस क्या होता है उसके मीनिंग के बारे में बताया है. अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करो. मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो. बाय बाय, थैंक यू.